कारण लोग की टिकट प्राइस सिर्फ 1000 रुपीज़ है, लेकिन अगर आप उसके साथ डायनासोर पार्क और मैजिक पार्क को भी विजिट करते हो तो आपको और 1000 रुपीज़ देने होंगे। तो गार्डन ग्लो अल जफिलिया मेट्रो स्टेशन के पास पड़ता है। स्टेशन से आप बस 15-20 मिनट की वॉक करके यहाँ पे आ सकते हो। दुबई गार्डन ग्लो में 10 मिलियन से भी ज़्यादा एनर्जी सेविंग बल्ब्स यूज़ किए गए हैं और ये दुनिया के सबसे यूनिक थीम पार्क में से एक है। तो एक एडवाइस मैं आपको यहाँ पे ये दूंगा कि ये टूरिस्ट प्लेस आप शाम को 6 बजे के बाद विजिट करो, क्योंकि जब सनसेट हो जाता है तब लाइट्स का जो इफेक्ट है और भी अमेजिंग होता है। और ये जो आप सारी इफेक्ट वीडियो में देख रहे हो, ये एक्चुअल में वीडियो से कहीं ज़्यादा अमेजिंग है। पार्क में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप लोकल स्नैक्स एंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे छोटे स्टोर्स हैं जहाँ पे आप सोवेनर भी परचेस कर सकते हो।
अगर आप दुबई आने के लिए कोई ट्रैवल पैकेज लेते हो तो उन पैकेजेस में ये अगर एक्टिविटी इंक्लूड नहीं होती है तो कोई बात नहीं, आप खुद से भी ये एक्टिविटी प्लान कर सकते हो। तो एक चीज़ आप ये कर सकते हो कि दुबई के बाकी टूरिस्ट अट्रैक्शन आप दिन में कवर कर सकते हो और रात के टाइम पे इस प्लेस को आप विजिट कर सकते हो। ऑलराइट दोस्तों, तो गार्डन ग्लोब के बारे में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे दी है। अगर आपने मेरे बाकी के दुबई टूरिस्ट अट्रैक्शंस की वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियो जरूर चेक कर लेना। इसके अलावा सिंगापुर और मलेशिया के वीडियोस भी आ गए हैं, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके एक्सेस कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए घूमते रहो, एंजॉय करते रहो, लेकिन नेचर को क्लीन रखो।